Good morning, students. Okay, hope you all are good. Class 1, this chapter is for you, Be Safe, chapter number 5. In this chapter, we will know about how to save ourselves. Save means, हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचाएंगे. हम लोग के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर इधर रोड साइड पर नहीं जाना चाहिए, किसी शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए, इवन नेकेड हैंड से हम लोगों को इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं छूना चाहिए. क्यों? बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर आवर सेल्फ. ओके, हियर सम पॉइंट्स आर देयर. नेवर ट्राई टू लाइक अ मैजेस्टिक. हमें कभी भी मैजेस्टिक से नहीं खेलना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे हम लोग का हाथ जल सकता है. नेक्स्ट, नेवर प्ले विद ब्लेड्स, नाइफ्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स. हमें कभी भी ब्लेड, चाकू या किसी भी धारालु चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. उससे क्या होगा, हम लोग के हाथ कट सकते हैं. इसीलिए जब भी हम लोग को कुछ काटने की जरूरत हो, ऑलवेज वी हैव टू टेल अबाउट टेल टू अवर पेरेंट्स. नेक्स्ट, नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स. क्यों? जैसे आप लोगों को पता है, अगर हम कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक किसी वायर को या प्लग को टच करेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग को शॉक लग सकता है. राइट, आप लोगों ने सुना ही होगा, पेरेंट्स से भी सुना होगा, खुद भी रियलाइज अगर किया है तो इट्स सेफ, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर्स विद नेकेड हैंड्स. ओके, सी नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक वायर्स. नाउ सी द पेज नंबर 27. जब भी हम स्टेयर्स का यूज़ करें तो उसको प्रॉपरली यूज़ करें, कभी भी रनिंग वे में ना यूज़ करें. उससे क्या होगा कि हम लोग स्लिप कर सकते हैं, हम लोग को चोट लग सकती है. नेक्स्ट, कभी भी वेंडर साइड पर नहीं खेलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, नेवर पुश एनीबडी सो दैट द पर्सन कांट बी हार्म एंड नेवर जंप बाय द रनिंग बस. हमें कभी भी चलती बस से जंप नहीं करना चाहिए, उससे भी हम लोगों को हार्म लग सकता है, हार्म हो सकता है. एंड नेवर टीज विद एनिमल. व्हाई? ही दैट एनिमल विल बी बाइट टू अस. ओके, नेक्स्ट, प्लीज रीड दिस चैप्टर एंड डू दिस एक्सरसाइजेस फ्रॉम पेज नंबर 28 ए बी सी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.